यार गड़े में खराब नहीं लियो ने बड़ो और माशाल्लाह से ये इसको देखें कितना खूबसूरत जानवर है। देख लें इसको और अच्छे तगड़े तगड़े जानवर हैं। कुर्बानी के लिए आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये इस्लामाबाद मलोट में मौजूद हैं और तकरीबन 100 के करीब जानवर हैं हमारे पास। तो अगर कोई ख़रीदना चाहे तो वो आकर ख़रीद सकता है। और यहाँ हमसे ख़रीदने का फ़ायदा ये है, एक तो मंडी से सस्ते में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मंडी वालों के ऊपर टैक्स वगैरह बहुत होता है। अगर मंडी कोई 50 जानवर लेके जाता है तो 2 लाख रुपए वो मंडी वालों को सिर्फ टैक्स देता है। एक जानवर के 3,000 रुपये दे के अंदर दाखिल होते, तो उन्होंने वो जो 2,000 रुपये हैं वो इन्हीं जानवरों को बेच के बराबर करना है, ठीक है। तो वो पर जानवर के ऊपर फिर एक्स्ट्रा पैसे लगाते हैं, वो बहुत महंगा पड़ता है। एक तो आजकल वैसे भी महंगाई है और ऊपर से फिर ये वाली चीज़ें भी लग जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है। इसलिए ये हमारे इस फार्म में विज़िट करें, यहाँ से आपको अच्छे खूबसूरत और बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के हर किस्म के जानवर जो हैं आपको मिल सकते हैं। और मंडी से ख़रीदने का एक नुकसान ये भी है कि मंडी में ना इंजेक्शन वगैरह लगा के उनको मोटे ताज़े करके, हालांकि यहाँ तक के उनके कलर, यानी कलर जो चमकीला होता है उनका, चमकता है, उसके लिए भी वो इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं कि उन कलर वो जो चमकीले दिखें, खूबसूरत दिखें, इस वजह से भी, ठीक है। तो हर चीज़, यानी वो आप मंडी से एक जानवर ख़रीद के जो दबा करके कुर्बानी पे आप खाते हैं तो वो अपने लिए एक बीमारी लेके जाते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो ये घरेलू जानवर हैं, ठीक है, घरों में पाल के बड़े हुए हैं, यहाँ कोई ऐसा इंजेक्शन वगैरह लगा के उनको मोटा करना तो वो वाला कोई इस तरह का खाता नहीं। तो इस हिसाब से भी ये मंडी से लाख दर्जा बेहतर है। तो आप यहाँ पे आके ख़रीद सकते हैं। और मंडी में तो इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ हमको इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि ये जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह या रेसलर वगैरह जो इंजेक्शन लगा देते हैं अपने ऊपर, लगा के जो है इतनी बड़ी बड़ी बॉडियाँ बनाते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह का जो है इंजेक्शन होते हैं, इनके खिलाफ इलाके इनको इंजेक्शन लगा के उनको मोटा किया जाता है।
और अगर इनको घर में लाके किसी को इस बात पे यकीन नहीं है तो वो अपने घर लाके 3-4 महीने उस जानवर को रखे, उसको पता चल जाएगा, उस जानवर की हड्डियाँ निकल आएंगी अंदर से, जो वो 5-5 लाख 4-4 लाख के बिकते हैं। ठीक है, तो ये सारा ड्रामा है, ये जो है आप ख़रीद के अपने लिए यानी अपने बच्चों के लिए अपने लिए बीमारी पैदा करते हैं, अपने बच्चों के लिए अपने लिए बीमारी पैदा करते हैं। ठीक है, उन जानवरों के अंदर तो ऐसे उनसे एहतियात करें, ऐसे जानवर के सिर्फ दिखावे के लिए बड़े बड़े जानवर ख़रीद के जो है बस लोगों को दिखाने के लिए और घर में ला के ज़बह करते हैं। इतना बड़ा जानवर, उससे 10 किलो तो 10 मन तो खाली चर्बी निकलती है, 20 मन का जानवर है तो। ठीक है, और उसके अंदर बीमारियाँ अलग होती हैं क्योंकि इंजेक्शन वगैरह लगा के उनको जो है मोटा किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदना चाहता है तो ये हमने यहाँ मंडी लगाई हुई है, बस मंडी क्या है ये अंदर फार्म है और यहाँ बाहर रखे हुए हैं और अंदर भी जानवर रखे हुए हैं और भी आने वाले हैं अच्छे अच्छे जानवर, तो आप विज़िट करें और हमसे मंडी से जो है सस्ते में हमसे आप जानवर ख़रीद सकते हैं। ये हमारी गाय माता जी, नमस्ते करो सब इसको। बड़ा तंग किया है सारे भाई, पता नहीं पूरी प्राप्ति थी, वो बड़े वाला तो वो तो बहुत ज्यादा शौक करते हैं। चैनल है उसका, चैनल है उसको, इसीलिए बुला के लाया था वीडियो बना दे। देख ले माशाल्लाह मुंह नहीं निकाल रहा अंदर। बस ये मैंने जिनको बना ली थी वीडियो, बाकी सब के ना इनको बस एक खिलाने की नहीं बनानी है, अरे ये पिलाने की बनानी है, पिलाने की भी हो गई, एक खिलाने की बनानी।